गुड मॉर्निंग क्लास ए. टुडे वी आर डूइंग एक्सरसाइज 3.2. फर्स्ट इज फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर. एक्स फाइंड करना है हमको ए में और बी में. यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें एक ये एक्सटीरियर एंगल है 125, ए के 125, तीसरा जो है वो हमें फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे फर्स्ट का ए. इसमें सबसे पहले आप लिखोगे सम ऑफ एक्सटीरियर, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन कितना होता है 360 डिग्री. ठीक है, सारे पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल खत्म होता है 360 डिग्री पॉलीगन में. ठीक है, इसमें एक्स फाइंड आउट करना है. दो हमको गिवन है, तो एक हमको गिवन है 125 डिग्री, सेकंड भी 125 डिग्री, थर्ड हमको एक्स निकालना है और सम इनका हो गया 360 डिग्री. 125 प्लस 125 250 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री. नाउ एक्स इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 250, आंसर विल बी 110 डिग्री. ठीक है, इसी तरह इसका जो बी है इसमें आपको दिया हुआ है ये पेंटागन है. ठीक है, पेंटागन बना हुआ है. इसमें ये एक्स एक्सटीरियर एंगल आपको फाइंड आउट करना है. एक आपको गिवन है 70 डिग्री, एक गिवन है 60 डिग्री, बाकी हमको पता करना है. यहाँ पे ये परपेंडिकुलर का साइन है, तो मतलब ये 90 डिग्री का है, ये हमें बता रखा है. यहाँ पे ये इंटीरियर इसमें भी परपेंडिकुलर है, ये भी 90 डिग्री है. ठीक है, अब ये अगर 90 डिग्री है तो ये एक्सटीरियर जो है इसका हमने सपोज नाम दे दिया एंगल वन. ये कितना होगा, ये दोनों का टोटल क्या होगा, ये है लीनियर, उसमें लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इन दोनों का टोटल हो गया 180 डिग्री. तो ये वाला एंगल कितना होगा ये हम देखते हैं. सबसे पहले यहाँ भी सेम आप लिखोगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इक्वल टू 360 डिग्री. ठीक है, अब उसमें 90 डिग्री प्लस एंगल वन, ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो ये लीनियर पेयर आपको पता है 180 डिग्री होता है. अब एंगल वन हमको फाइंड आउट करना है 180 डिग्री. यहाँ पे ये प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री. ठीक है, अब हमको नेक्स्ट निकालना है. हमारे पास एक हो गया एक्स, हमको फाइंड आउट करना है एक एंगल वन प्लस, एक गिवन है 60 डिग्री और एक हमको गिवन है 90 डिग्री और एक हमको गिवन है 70 डिग्री. सम ऑफ ऑल एंगल्स इन पॉलीगॉन इक्वल टू 360 डिग्री. एक्स प्लस एंगल वन हमने निकाल लिया 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री अगेन 90 प्लस 70 इक्वल टू 360. ठीक है, तो ये अब ये हो जाएगा हमारा, इनको आप सबको टोटल करोगे तो ये आ जाएगा हमारा एक्स प्लस 180 एंड 130, ये हो गया 310 इक्वल टू 360 डिग्री. तो एक्स इक्वल टू 310 इधर प्लस में है, तो यहाँ पे आके ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा एंगल, आंसर इज 50 डिग्री. इस तरह से हमको करना है. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे. क्वेश्चन नंबर टू है, ये फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ, जिसमें एक साइड है 9 साइड है एक में और एक में 15 साइड. एक्सटीरियर एंगल हमको फाइंड आउट करना है. इसका फर्स्ट हो जाएगा, साइड्स गिवन है 9 साइड्स फर्स्ट है हमारा. यहाँ आप लिखोगे नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है आपके इसमें फर्स्ट में 9 है. अगेन इसमें वही सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, एंगल ये आपने लिखना है एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन कितना होता है 360 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री. ईच एंगल कितने का क्या हो जाएगा, ईच एंगल क्या होगा, ईच एंगल विल बी 360 डिग्री अपॉन 9, ये हो जाएगा हमारा 40 डिग्री आंसर. अब सिमिलरली सेकंड में 15 साइड्स गिवन है, वही उसी तरह होगा सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन इक्वल टू 360 डिग्री. ईच एंगल इक्वल टू साइड्स गिवन है 15, तो 360 अपॉन 15
ईच एंगल विल बी 24 डिग्री। नाउ वी आर कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24। अगर ईच एंगल हमको गिवन है, ईच एंगल इक्वल टू 24 डिग्री, अगेन सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू 360 डिग्री, नंबर ऑफ साइड्स क्या होगी, नंबर ऑफ साइड्स विल बी 360 डिग्री अपॉन ईच एंगल 24। इसको आप डिवाइड करोगे तो आंसर विल बी 15 साइड्स हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, अगर इंटीरियर उसमें था एक्सटीरियर, इसमें इंटीरियर एंगल अगर 165 हमको दिया हुआ है तो नंबर ऑफ साइड्स, एक्सटीरियर एंगल रेगुलर इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब सपोज मैंने यहाँ पे ये बनाया, ये हो गया इंटीरियर एंगल, अब और ये होगा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब इंटीरियर एंगल अगर हमको मान लो दिया हुआ है, एक्सटीरियर निकालना है, तो ये लीनियर पेयर पे तो 180 में से हम माइनस कर देंगे। एक्सटीरियर एंगल हमको निकालने के लिए इसका जो ये एक्सटीरियर एंगल होगा, ये होगा, ये है 165 डिग्री, तो ये हो जाएगा लीनियर, उस पर जा रहा है तो लीनियर होता है 180 डिग्री में, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री। इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 15 डिग्री। अब अगेन वही सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगोन इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी निकाली हमने, सॉरी 15 साइड्स है, तो ईच एंगल होगा हमारा, सॉरी नंबर ऑफ साइड्स होगी हमारी, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 15, आंसर विल बी 24। ये आपको एक्सरसाइज 3.2 अपनी फेयर कॉपी में करनी है, एंड यू हैव टू सबमिट मी। थैंक यू।